तब देखो, ऐ सुनो, इधर पिछले कल हम लोग यहाँ तक पढ़ के गए थे, कहाँ तक है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ के गए थे। आज हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग से पढ़ रहे हैं। केमिकल इंजीनियरिंग या इसी का दूसरा नाम है मेंटेनेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, है ना। तो देखो इसमें क्या है, कल तो हम लोग पढ़े थे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, उसमें क्या हुआ था, जीन को या जेनेटिक मटेरियल को क्या किया था, दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल करके उसका फिनोटाइप को चेंज कर दिए थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। आज केमिकल इंजीनियरिंग है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें केमिकल इंजीनियरिंग में इस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, है ना, और इसमें वैक्सीन हो गया, ये सारा चीज तैयार किया जाता है, तो इसको हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। देखो यहाँ लिखे हैं, द मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल कंडीशन टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड, है ना, माइक्रोब्स। इसका मतलब होता है कि जिसके, मान लो कि एंटीबायोटिक्स जिससे बनाया जाता है उसी माइक्रोब्स को रखेगा, बाद बाकी दूसरा को क्यों रखेगा, तो जिसका यूज रहेगा उसी को न रखेगा, तो उसको रख करके क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर करता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, और प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। जैसे कौन कौन सा प्रोडक्ट तैयार होता है, एंटीबायोटिक्स हो गया, वैक्सीन हो गया, एंजाइम्स हो गया, ये सारा प्रोडक्ट तैयार किया जाता है किस प्रोसेस के द्वारा, केमिकल इंजीनियरिंग के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी से करता है। तो ये हो गया, हम लोग कल पढ़े थे प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसका दो टाइप्स हम लोग लिखे थे, एक था जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा था केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये हो गया कल का। आज हम लोग फिर से नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लगाते हैं यहाँ से, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस है ना, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत का प्रक्रिया है। देखो इसमें क्या सब लिखे हैं, इसमें ऐसा टेक्निक है, कल जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में अभी भी बताए कि इसमें क्या किया जाता है, यहाँ भी लिखे हैं, कल भी शायद ये लिखे थे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्या, या जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए को इंट्रोड्यूस कराया जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में, और उसके फिनोटाइप को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। ये होता कैसे है, तो देखो इसमें लिखे हैं नीचे प्रोसेस लिखे हैं, ए पीस ऑफ डीएनए, डीएनए का एक टुकड़ा लेगा, डीएनए का टुकड़ा लेगा, और विच इज इंट्रोड्यूस इनटू द एलियन फॉरेन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एलियन मतलब क्या, दूसरा ग्रह से आता है वो एलियन बोलते हैं, नहीं देखा है पीके, अरे कोई मिल गया है, वो पीके में भी नहीं आता है जी दूसरा, हाँ, तो उसमें दूसरे जगह से, तो अगर मान लो कि यहाँ पर जो और डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म में, उसमें से निकाल करके हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, तो उसके लिए ये दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, एलियन हो गया, फॉरेन हो गया, अरे नहीं हुआ, फॉरेन मतलब क्या, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, नेपाल चल जाएंगे, तो वो फॉरेन हुआ कि नहीं हुआ, दूसरे जगह का, दूसरे देश चले जाएंगे, दूसरे कंट्री चल जाएंगे, तो वो एलियन फॉरेन हो गया। तो वही मतलब जिस ऑर्गेनिज्म, मान लो कल बताए थे कि ये मान लो कि दो ऑर्गेनिज्म है, इसका हम डीएनए निकाल करके और इसका प्लाज्मिड है, इसमें हम सेट कर देते हैं, और यहाँ से निकाल करके इसको प्लाज्मिड को भी बाहर निकाला जाता है, और इसका डीएनए को भी बाहर निकालेंगे, दोनों को बाहर निकाल करके इसमें से जहाँ पर जो हमको लक्षण चाहिए, जो सिम्टम्स रहता है उसको क्या करता है, निकाल लेता है, काट के अलग किया, अलग करने के बाद प्लाज्मिड से क्या किया, प्लाज्मिड में जोड़ दिया, उसको भी काट करके, अब कैसे काटता है कैसे जोड़ता है वो सारा हम लोग आगे प्रोसेस सारा समझेंगे। अब डीएनए का टुकड़ा हो गया, प्लाज्मिन में ले लिया, और इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो उसको हम लोग फॉरेन एलियन या होस्ट ऑर्गेनिज्म कहेंगे, है ना, तो उसमें हम लोग डालेंगे, तो वही कह रहा है एलियन डालेंगे, वुड नॉट बी एबल मल्टीप्लाई इटसेल्फ, अगर इसको ऐसे छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा, मतलब रिप्लीकेट नहीं करेगा, ताकि उसको क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दिया जाता है, ताकि वो क्या करे, मल्टीप्लाई करे। लेकिन यहाँ देखो, व्हेन इट गेट इन इनकॉर्पोरेटेड इन टू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रिसिपियंट, इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। अब जैसे ही होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, जैसे यहाँ हम लोग सेट किए, अब यहाँ पर इसको आरडीएनए कहा जाता है, आरडीएनए का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है,
अब इसको जैसे ही होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब इसमें से निकाले, इसमें से जो हमको मेन डीएनए है खंड वो पीस निकाले, उसके बाद यहाँ से प्लाज्मिड निकाले, दोनों को जोड़े और इसको हम लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालेंगे। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालेंगे उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और उसमें डालने के बाद ये क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। आगे लिखे हैं देखो यहाँ, बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम। ये एलियन डीएनए अब क्या हो गया, जो डीएनए हम निकाले थे वो डीएनए अब क्या हो गया, उसका एक पार्ट हो गया, उस जिस ऑर्गेनिज्म में डालेंगे उसका क्या हो गया, एक पार्ट हो गया, जो अब जिसमें गुण आ जाता है, क्षमता आ जाता है क्या करने का, रिप्लिकेट करने का, अब क्षमता आ जाता है, मतलब अब वो बहुत सारा कॉपी तैयार कर लेगा। अब जैसे ही बहुत सारा कॉपी तैयार करेगा तो उसमें एक मेन पॉइंट होता है जहां से ऑरिजिन होता है, मतलब बताए थे डीएनए का रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए जब बता रहे थे तो उसमें ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन में वहां पर बताए थे कि कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां से वो क्या होगा, ओरिजिन होगा, उत्पत्ति होगा, बनना स्टार्ट होगा, तो उसको ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ भी वही बात लिखे हैं, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है एक जगह, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल होगा इनिशिएटिंग रिप्लिकेशन के लिए। इनिशिएटिंग रिप्लिकेट का मतलब क्या हुआ कि रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जो ओरिजिन जहां पर मिलेगा, मान लो कि ये एक डीएनए का खंड है, यहाँ पर हमको मिला है ना, तो ये यहाँ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होगा, यहाँ से बनना क्या होगा, नया डीएनए बनना यहाँ से स्टार्ट होगा। तो वही कह रहा है कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा डीएनए पर, जिसको हम लोग ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहेंगे, और ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, तो इनिशिएटिंग रिप्लिकेशन के लिए, मतलब रिप्लिकेशन शुरुआत होने के लिए, प्रारंभ होने के लिए यहां से क्या होगा, स्टार्ट होगा, समझा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखे हैं यहां देखो, दस एन एलियन डीएनए लिंक्ड विथ द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अब ये क्या करेगा, डीएनए के साथ रिप्लिकेट करेगा, रिप्लिकेशन करेगा, और बहुत सारा सेम कॉपी तैयार करेगा। अब सेम कॉपी तैयार करता है तो बताए थे हम कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली वो सेम अगर निकलता है तो उसको क्या कहा जाता है, क्लोन कहते हैं, बताए थे क्लोन कहते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, यही अब ये क्या करेगा, सेम कॉपी अपना मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ लिखे हैं आइडेंटिकल कॉपी मल्टीप्लाई करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ कॉल्ड द क्लोनिंग फॉर्मिंग कहते हैं, क्लोनिंग फॉर्मिंग या सीधे क्लोनिंग भी कह सकता है, क्लोनिंग कहते हैं। तो इसके द्वारा अब क्या करेगा, बहुत सारा कॉपी तैयार हो गया, कॉपी तैयार होने के बाद फिर इसको फिर जिसमें डालना होता है वहां से निकाल करके फिर उसको अलग से ऑर्गेनिज्म में डाल देता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी बहुत सारा इसमें पढ़ा है, फिगर बना करके हमको समझना है हम लोग को। तो अभी जितना बताएं उतना समझ में आया, कैसे करें, देखो सिंपल सी बात है, कहानी तरह का है, कहानी जैसे है ना, एक बार पढ़ लिया समझ लिया, उस टाइप का है, कहानी है एक तरह से समझे। अब कितना मारेंगे क्या उतना, हाँ अभी समझ में, अभी 75 बार बताएंगे, टेंशन कहे मत। चलो हेलो, अरे इसमें कुछ नहीं, ध्यान रखना है ना, एक देखो यहाँ हमको टाइम लग जाएगा इसे। देखो ये मान लेते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है बड़ा सा, कल भी इस तरह का हम फिगर बना के बताए थे, और एक बैक्टीरिया है, इसमें अब बताए थे प्लाज्मिड होता है, इसमें मान लेते हैं कि यहाँ से खंड हमको काटना है, ये डीएनए को इसमें जोड़ना है, तो इसको काट लेंगे, अब मान लो कि दो तरह के बनेगा ना इस तरह के, तो ये वाला काटे, ये वाला पीस बना, इसको काटना है, इसको इस तरह से बना के यहाँ काट दिए, अब यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ जोड़ देना है, ये दोनों को जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे इस तरह से बना दिए, अब यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, अब यहाँ पर डीएनए को क्या किए, यहाँ जोड़ दिए, अब जोड़ने के बाद इसको क्या, ये निकला दूसरा ऑर्गेनिज्म से, ये निकाले दूसरे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया में रहता है ना, साल्मोनेला
टाइफिमोडियम बैक्टीरिया का नाम है। उस बैक्टीरिया में प्लाज्मेरोसी बैक्टीरिया का ज्यादा यूज करते हैं, पहले यूज किया करता था, अभी भी उसी का ज्यादा यूज कर रहा है। तो वहां से निकाला प्लाज्मिड, और जिस ऑर्गेनिज्म से निकाले हम क्या डीएनए, उसका खंड निकाले, यहाँ जोड़ दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, बहुत सारा कॉपी तैयार करना है, तो इसको निकाल करके अब कहाँ डाल देगा, इसको इकोलाई बैक्टीरिया में डाल देगा, इकोलाई बैक्टीरिया में डाल देगा। और बैक्टीरिया में जैसे मान लो कि ये बैक्टीरिया है, इसमें इसको डाल दिया। अब डालने के बाद ये बैक्टीरिया क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अब डिवाइड करेगा तो जेनेटिक मटेरियल भी तो डिवाइड होता है, तो डिवाइड करेगा तो ये भी क्या करेगा, सब बैक्टीरिया। अब यहाँ से जितना बैक्टीरिया बनेगा सब बैक्टीरिया में क्या होगा, ये जाएगा, सब बैक्टीरिया में आएगा, इस तरह से होता है, समझा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ना, यही पूरा प्रोसेस है, और इसी को बार बार पढ़ते रहना। इतना बार पढ़ेंगे ना, ये जो बनता है नया डीएनए का सीक्वेंस यहाँ पर तैयार होता है, इसको रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ये सब अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलो अगला हेडिंग लगाएगा ना, कंस्ट्रक्शन लिखो, हेडिंग दो लिखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। हेडिंग लगाएगा, लिखो कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु का निर्माण, अणु का निर्माण। अणु का निर्माण लिखेगा, लिखते हैं पॉइंट दे दे करके। अब इसमें हम देखो नाम ध्यान देना, क्या हम हेडिंग लगाए, कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु का निर्माण। मतलब अब किस तरह से डीएनए मतलब आर डीएनए बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा, तो वो प्रोसेस हम लोग उसमें देखेंगे किस तरह के बनता है। देखो इट फर्स्ट इमर्ज from the possibility of linking of gene on coding antibiotics resistance with a native native plasmid of Salmonella typhimodium. Typhimodium next point likh lo, Stanley Cohen and
हार्बर्ट बोयर, हार्बर्ट बोयर, परफॉर्म परफॉर्म दिस इन 1972 बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस जीन बाय कटिंग आउट ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड प्लाज्मिड व्हिच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस गिविंग एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस नेक्स्ट पॉइंट लिखना दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज हेक्टर्स टू transfer the piece of DNA DNA attached to it attached to it as we know that the female anopheles mosquito act as an insect vectors to transfer the malarian parasite malarian parasite into a human body into human body लिखो
हो गया। खाते हैं इतने है ना। लिखो हिंदी, लिखो हिंदी लिखते हैं। लिखो प्रथम पुनर्योगज डीएनए, हिंदी लिखो प्रथम पुनर्योगज डीएनए, प्रथम पुनर्योगज डीएनए लिखा डीएनए का निर्माण यहाँ लिखा है साल्मोनेला टाइफेमुरियम। यहाँ देखो साल्मोनेला टाइफेमुरियम के सहज प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी लेखन लिखा। उसके आगे लिखना कूट लेखन जीन के जुड़ने से हो सका है। हाँ, जीन के जुड़ने से हो सका है। लिख लिया, लिखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो स्टेनले कोहेन और अरे नाम है, यहाँ देखो लिखा हुआ है स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 ईस्वी में प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काटकर संपन्न किया जिनमें प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने के जिम्मेवार जीन था। लिख लिया, जिम्मेवार जीन था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो प्लाज्मिड डीएनए संवाहक का कार्य करता है। प्लाज्मिड डीएनए
संवाहक का कार्य करता है, संवाहक का कार्य करता है, कार्य करता है जो जो इससे जुड़े हुए डीएनए को जो इससे जुड़े हुए डीएनए को जुड़े हुए डीएनए को स्थानांतरित करता है, स्थानांतरित करता है, स्थानांतरित करता है। लिखा जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जानता है कि नहीं जानता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। लिखा मलेरियन परजीवी को, हम लोग जानते हैं मलेरियन परजीवी को मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर मनुष्य तक स्थानांतरित कर देता है, मनुष्य तक स्थानांतरित कर देता है। लिख लिया। देखो नीचे वाला पॉइंट में क्या लिखे, पहले ऊपर से समझते हैं कि नीचे से समझे, नीचे से समझते हैं। देखो यहां देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सबसे पहले ये ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे हैं, इधर देखो, हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आर डीएनए, यहाँ ऐसा लिखा हुआ देखा है कहीं, आर डीएनए बुक पड़ेगा तब मिलेगा, ऐसे थोड़े मिलेगा, आर डीएनए रहता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म से डीएनए निकालते हैं और दूसरे, यहाँ नाम लिखे हैं देखो, साल्मोनेला टाइफीमोडियम, इसमें प्लाज्मिड का यूज, इसका इसी का प्लाज्मिड जो है यूज करते हैं, तो इसका प्लाज्मिड निकाल करके और जो डीएनए का टुकड़ा लाते हैं उसको जोड़ते हैं, अब दोनों एक साथ जो जोड़ लेते हैं उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो वही बात लिख रहे हैं। तो देखो इसमें क्या लिखे हैं, सबसे पहले है ना, इसमें जो ये बनाया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बनाया था, एंटी, अच्छा कोई भी चीज का रेसिस्टेंस क्या क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, जो उसका विरोध करता है, नहीं जैसे मान लो एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं, दवा खाते हैं ना, एंटीबायोटिक वो क्या करता है, बैक्टीरिया, अगर मान लो कि कोई बैक्टीरिया है वो हम लोग को डिजीज कर दिया, हम लोग क्या किए उसके बाद ऐसे नहीं ठीक हुआ, हम लोग का शरीर पहले क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीबॉडी से उसको मारेगा, अगर नहीं मरता है तो हम लोग को क्या होता है, डिजीज हो जाता है, अब डिजीज हो गया अब तो उस पर क्या कर देगा, उसको एंटीबॉडी से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं और एंटीबायोटिक खाएंगे तो उसको क्या करेगा, डिजीज करने से उसको रोकेगा, उसको मारेगा, रोकेगा, है ना, तो रोकता है, इसी को क्या बोलते हैं रेसिस्टेंस। और तुम लोग करेंट सब पढ़ा होगा फिजिक्स में, है ना, जितना मोटा तार रहेगा उतना रेसिस्टेंस क्या होगा, कम रहेगा कि ज्यादा, अगर मोटा तार रहेगा उसमें करेंट जाएगा तो उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम, तो ज्यादा सर है ये, वो ज्यादा है वो कम करता है, पढ़ेगा। देखो इधर छोड़ो हटा, रेसिस्टेंस का मतलब विरोध करने वाला, इतना समझ लो, प्रतिरोधी होता है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले साल्मोनेला टाइफीमोडियम, इसी का जो प्लाज्मिड होता है ना,
इसी के प्लाज्मिड से तैयार किया था। तो सबसे पहले जो तैयार किया था 1972 ईस्वी में तैयार किया था दो साइंटिस्ट मिलकर के, एक था स्टेनले कोहेन और दूसरा हर्बर्ट बोयर। ये दोनों साइंटिस्ट 1972 ईस्वी में सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था। और उन्होंने क्या किया था ना, यही साल्मोनेला टाइफिमोडियम बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाला था और जो डीएनए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से डीएनए निकाल करके इसमें सेट किया था। और सबसे पहले यही क्या किया था, मतलब ये तैयार किया था क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। देखो यहाँ लिखे हैं सारा कुछ है ना, आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। और ऐसा ये तैयार किया जो क्या था, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन था है ना, टुकड़ा बनाया। और प्लाज्मिड व्हिच रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, मतलब जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के क्या किया, तैयार किया सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब ये स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर, ये वैज्ञानिक का नाम है। 1972 ईस्वी में याद रखना, इससे पहले रेस्ट्रिक्शन इंजाइम सब था, इससे पहले इसका खोज हो चुका था, तब ना ही करेगा। अगर मान लो कि इसके बाद आ जाए, थोड़ा सा दिमाग लगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या करता है, मान लो कि ये डीएनए है, इसको बीच से काटना है, तो ऐसा तो नहीं है कि कैंची ब्लेड ले जाके काट देगा, एंजाइम चाहिए इसको काटने के लिए। काटने के बाद फिर मान लो प्लाज्मिड में यहाँ पर अगर ये जोड़ेगा तो इसको जोड़ने के लिए तो एंजाइम चाहिए, तब ना जुटेगा, ऐसे थोड़े जोड़ लेगा। तो ये सब एंजाइम सब का खोज क्या हुआ था, पहले ही हो चुका था, तब ना करे किया, अगर नहीं होता तो फिर नहीं हो पाता। तो वही लिखे, अगला लिखे कि दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर। देखो यहाँ वेक्टर का मतलब क्या होता है, फिजिक्स का वेक्टर है, वेक्टर का मतलब, वेक्टर का मतलब कारक, एक जगह से दूसरे जगह, जिसको एजेंट बोलता है, एजेंट होता है ना, एजेंट क्या करता है, कोई भी काम को यहाँ से लेकर के वहां पहुंचा देता है, एजेंट का यही ना काम है। तो जैसे कि यहाँ हम लिख दिए समझने के लिए, जैसे कि मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, वो मच्छर क्या करता है, प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरियन पैरासाइट प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम को मच्छर क्या करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते रहता है, नहीं पहुंचाता है, मच्छर कहीं से दूसरे आदमी से लेकर के आया, यहाँ काट लिया, इसको हो गया, वहां से फिर गया दूसरे, ये क्या किया एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करते गया, इसी को वेक्टर कहते हैं। तो इसी तरह से इसमें क्या किया, देखो यहाँ ये जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, अब एक डीएनए दूसरा डीएनए, फिर से यहाँ देखो ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म, इससे डीएनए निकाले, ये निकला, इससे क्या निकले, प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड निकाला, अब यहां से निकाल करके इसमें डीएनए का दूसरा टुकड़ा लिया। अब देखो एक ही बात को बार बार समझना है, अब यहाँ पर ये टुकड़ा निकाले और यहाँ प्लाज्मिड निकाले, अब इसमें सेट करेगा, सेट करने के बाद इसका कॉपी बनेगा, बहुत सारा कॉपी बनेगा, और फिर इसमें से रिमूव कर लेता है, और करने के बाद जिसमें डालना हो तो वहां डाल देता है। तो ये क्या किया, प्लाज्मिड का काम क्या हुआ, वेक्टर के जैसा काम किया, मतलब ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने में है ना, बहुत सारा कॉपी बनाने में उसमें काम किया, कौन, प्लाज्मिड। अरे प्लाज्मिड वेक्टर का ही ना काम, जैसे कि जैसे अभी क्या बोले, मच्छर है, अब वो मच्छर क्या किया, एक मादा एनोफिलीज मच्छर क्या करता है, मलेरियन पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम होता है उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या करता है, वहां से पहुंचा देता है, मान लो मच्छर में है, वो काटा, उसको हो गया, अब काट रहे तो वहां से यहाँ क्या किया, पहुंचा दिया। अरे कहीं रास्ता थोड़े आता है, बस ट्रक से प्लाज्मोडियम बैठ के आता है, वो पहुंचा दिया है। अब इसमें क्या किया, ऐसे ही ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड भी एक तरह का वेक्टर है, जो डीएनए को क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह वो पहुंचाने का काम करता है, बहुत सारा कॉपी बना दिया, कॉपी बनवा और बनाने के बाद फिर क्या किया, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा दिया। अब कैसे पहुंचाएगा, जैसे प्लाज्मिड है, अब ये दोनों को क्या करेगा, जोड़ेगा। अब यहाँ पर मान लो कि हम जोड़ दिए इसको, अब इसको जोड़ने के बाद ये बन गया क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। और रिकॉम्बिनेंट जब जैसे ये बना, इसको बाद इसको क्या करेगा, बैक्टीरिया में डाल दिए, और बैक्टीरिया में डालने के बाद ये क्या करेगा, बहुत सारा कॉपी बनेगा, मतलब कॉपी कैसे बनेगा, यहाँ से ये अब दो भाग में डिवाइड करेगा, दो भाग में डिवाइड होगा तो इसमें भी जाएगा और इसमें भी आएगा, फिर ये दो भाग में डिवाइड होगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो इसका कॉपी भी तो बनते जा रहा है कि नहीं बन रहा है, बहुत सारा कॉपी बनते जा रहा है।
इस तरह से ये डीएनए को, और इसका कोई काम नहीं, अब ये डीएनए को क्या क्या बहुत सारा कॉपी तैयार कर दिया और जिसको मुझे डालना होता है उसमें से निकाल के फिर उसको वहां कर लेते। तो इस तरह से होता है, ट्रांसफर करता है, इसीलिए इसको वेक्टर कहा जाता है। ये वेक्टर का काम, प्लाज्मिड जो होता है वेक्टर का काम करता है, मतलब डीएनए का ट्रांसफर करने का काम करता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें और बहुत सारा पॉइंट है, आज रहने देते हैं यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसे आगे हम लोग और पढ़ेंगे।